नमस्कार दोस्तों, तो मोटरोला की तरफ से मोटरोला एज सीरीज़ के अंदर एक बिल्कुल नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और इस बार इस स्मार्टफोन का नाम है मोटरोला एज 30 नियो, जो कि कहा जा रहा है कि अभी तक का मोटरोला एज सीरीज़ के अंदर जितने सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है सबसे सस्ते में इंडिया पे लॉन्च होगा। तो इसीलिए इस वीडियो में देखेंगे कि जो मोटरोला एज 30 नियो इसका एग्जैक्ट डिज़ाइन, कलर, स्पेसिफिकेशन, कब लॉन्च होगा, किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटल चैनल पे नए हैं और ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं इस बार का ये जो मोटरोला एज 30 नियो टोटल 4 कलर में देखने को मिलेगा, ब्लैक कॉनिक्स, वेरी पेरी, एक्वा फोम और आइस पैलेस, ये टोटल 4 कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो इस फ़ोन का थिकनेस है 7.6 मिलीमीटर और इसका वेट है 172 ग्राम। तो मतलब बोल सकते कि ये जो स्मार्टफोन जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है उस प्राइस पॉइंट का सबसे हल्का और सबसे पतला स्मार्टफोन ही होने वाला है। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज पोलेट डिस्प्ले, जिसके साथ आपको मिलेगा 240 हर्ट्ज या फिर 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। इसके डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा 800 निट्स और इसमें आपको मिलेगा 92% का आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो मतलब हम ये चीज़ बोल सकते कि इस प्राइस पॉइंट में मोटरोला के बाकी डिवाइस जैसा हमें डिस्प्ले क्वालिटी मिलता है एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले इसमें भी हमें मिलेगा। प्रोसेसर की अगर बात करें आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर। कैमरे की अगर बात करें आपको इसमें डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, इसका मतलब 64 और 8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और इसके रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा OIS का ऑप्शन। ये जो स्मार्टफोन काजरी के पास 2 वेरिएंट पे आएगा, जो कि 6GB रैम 128GB मेमोरी, उसके साथ 8GB रैम 256GB मेमोरी, ये टोटल 2 वेरिएंट पे लॉन्च होगा। इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है UFS 2.2 और इसके साथ मोटरोला के बाकी फ़ोन के जैसे आपको मिलेगा हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन और 4GB तक का वर्चुअल रैम का ऑप्शन। बैटरी अगर बात करें आपको इसे मिलेगा 4020 mAh बैटरी और उसके साथ प्रोबेबली 33 वाट का चार्जर आपको मिलेगा। वैसे इसके अंदर का क्या चार्जिंग सिस्टम होगा उसके बारे में अभी तक कोई कॉन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है और कनेक्टिविटी ऑब्वियसली होगा USB Type C। तो इसके बाद अगर मैं इसकी कुछ बाकी चीज़ों की अगर बात करता तो आपको इसे मिलेगा Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ होगा डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन। तो अब जो सबसे मेन चीज़ कब लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस में लॉन्च होने वाला है, तो देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगले महीने 8 तारीख को इंडिया पे जो मोटरोला का नया वाला एज सीरीज लॉन्च होने वाला है उस इवेंट में हमें इस नया वाले फ़ोन के लॉन्च इवेंट के बारे में मालूम चल जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि सितंबर या फिर अक्टूबर महीने के आसपास इंडिया पे स्मार्टफोन लॉन्च होने के सबसे ज़्यादा चांस है। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए इसका स्पेसिफिकेशन देख के मुझे यही चीज़ लग रहा है ये जो फ़ोन इंडिया पे आएगा मोटरोला G62 और मोटरोला G82 के बीच में। मोटरोला G62 का इंडिया में प्राइस है 18,000, मोटरोला G82 का इंडिया में प्राइस है 21,000 रुपये। तो जितना मुझे लग रहा है ये फ़ोन इंडिया पे लॉन्च होगा वही 18 या फिर 19,000 रुपये के आसपास। तो अभी हर वीडियो को जैसे इस वीडियो में आपको कहूँगा कि क्या 19,000 रुपये के हिसाब से ये जो स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर दूसरा कोई फ़ोन आपको लेना चाहिए। अब देखिए अगर हम इसके डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, रैम, रोम या फिर बाकी चीज़ों को देखें मुझे तो प्राइस पॉइंट की सबसे बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लग रहा है, लेकिन इस स्मार्टफोन में एक प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है जो कि इसका बैटरी सिस्टम। एक 19,000 रुपये के स्मार्टफोन की सबसे चलिए 19,000 रुपये छोड़ी दीजिए, 2022 साल में जब कोई ब्रांड आपको 4000 mAh बैटरी दे रहा है तो आप समझ लीजिए वो बहुत ही ज़्यादा कम है कम्पेयर टू किसी भी स्मार्टफोन। तो इसलिए जितना मुझे लग रहा है इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है इसका बैटरी सिस्टम, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 4000 mAh बैटरी जो कि 2022 साल की हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लो है। लेकिन अगर हम इसके बैटरी सिस्टम को ना देखते उसके अलावा बाकी सभी स्पेसिफिकेशन मुझे तो सबसे बढ़िया लगा। तो अभी आप मुझे जो कॉन्फिडेंस ज़रूर बताना कि मोटरोला एज 30 वाला स्मार्टफोन जब इसी स्पेसिफिकेशन के साथ वही 19,000 के आसपास इंडिया पर लॉन्च होगा तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर सेम प्राइस पॉइंट में रियलमी या फिर शाओमी की तरफ से जो और भी बेटर स्मार्टफोन अवेलेबल है आप उसे लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।